अभी अपना नया बाथरूम ही लीकेज हो गया है। अभी देखिए इधर से अपना पूरा कोना कोना अभी गैप है। अभी इसको लीकेज अपना नीचे बाथरूम लीकेज हो गया है, इसको सही करना है। जो वाइट सीमेंट लगा था उधर से अपना पूरा गैप है, इधर से पानी नीचे जा रहा है। इधर वाइट सीमेंट रखे हैं, अभी नल से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो फर्सी से है। अभी इसको सही करना है, कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। एक्चुअली नीचे पूरा पानी पानी हो गया है, पता नहीं चल रहा है किधर से पानी जा रहा है, लेकिन इसको सही करते हैं। अभी इसमें वाइट सीमेंट डालते हैं, अभी वाइट सीमेंट डाल दिए पूरा, वाइट सीमेंट अच्छा से मिला के अभी पूरा वाइट सीमेंट डाल दिए। वाइट सीमेंट हल्का हल्का गीला करके डालना चाहिए, वाइट सीमेंट हल्का गीला करके डालेंगे तो परफेक्ट बैठेगा। हल्का हल्का गीला करके डालें, पूरा गैप में डाल देना चाहिए। अभी पूरा कोना कोना अच्छा से वाइट सीमेंट मिलना चाहिए, नहीं तो लीकेज हो जाएगा। हर एक जो टाइल का जॉइंट रहता है, जॉइंट से लीकेज होता है। अभी जॉइंट सब भर दिए वाइट सीमेंट से, अभी इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी सारा क्लीन कर दिए, अभी क्लीन करके फिर हल्का हल्का कपड़ा से, भीगा कपड़ा से साफ करके नॉन ट्रैप में और नॉन ट्रैप के कोने कोना कोना अच्छा से साफ करके हर गैप में वाइट सीमेंट जाना चाहिए। वाइट सीमेंट लगा के फिर सीट के बगल वॉल से लगाना चाहिए, और सीट के अंदर हल्का सा गैप रहता है उधर वाइट सीमेंट या एमसील से पैक कर देंगे तो कोई संभावना नहीं रहेगा लीकेज का। नॉन ट्रैप में भी पैक करना चाहिए। ये सारा गैप पैक कर दिए। अभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।